रायते तो बहुत खाए होंगे आपने, पर इस तरह से आप एक बार बनाइए और मुझे बताइए कि ये कैसा बना था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्षा शर्मा। वर्षा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गोल गोल जलेबी का रायता। गर्मियों में दही और छाछ तो सब खाते हैं। एक बार ये रायता आप बना के देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है, उसी कटोरी में हम एक कटोरी पानी लेंगे, लेकिन उसे हम पूरा नहीं डालेंगे, आधा ही डालेंगे और अच्छी तरह से उसे हम फेंट लेंगे। हमें इतना फेंटना है कि तब उसमें एक भी गुलथिया ना रह जाए। हमें उसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। हमने देखिए फेंट लिया है और आधी कटोरी पानी ही यूज़ हुआ है। एक पॉलीथीन लेंगे, दूध की, दही की, आपकी कोई भी आप एक पॉलीथीन ले सकते हैं। उसमें ये सारा मिश्रण हम डाल देंगे, उसे हम बांध लेंगे और बिल्कुल छोटा सा हम उसे काटेंगे। अब हमने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, उसमें हमने सरसों का तेल डाला है और अब हम उसमें गोल गोल जलेबी की तरह हम उसमें घुमा लेंगे। उसे अलट पलट के हम सेक लेंगे और निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे ही कर लेंगे। हमने सारी ही जलेबियाँ बनाकर तैयार कर ली है। तो हमने छाछ लिया हुआ है, उसमें हम ये जलेबियाँ पूरी डालेंगे। स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे और एक एक करके हम इसमें ये जलेबियाँ मिला देंगे। इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे ताकि नमक मिल जाए इसमें। एक तो हम पहले डालेंगे, फिर इसे हम थोड़ा फुलाएंगे और फिर बाद में बची हुई डाल देंगे। हम इसे 5 मिनट फूलने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम फिर इसको इसमें मिला देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार रायता बनके तैयार हो गया है। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये जलेबी रायता कैसा बना था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।